Dr. Sana is with us and she will give us review about gynecology of 5th year MBBS by 10 teachers. Walaikum Aslam Samia. ये गायनोकोलॉजी की बुक है 20th एडिशन बाय 10 टीचर्स फॉर फाइनल ईयर MBBS. सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स बताऊंगी. गायनी में जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं वो मैं पिंक वाले हाइलाइटर से हाईलाइट करती जाऊंगी, जिसमें कि डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कॉन्ट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन, सबफर्टिलिटी, मीनोपॉज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बेनाइन कंडीशंस ऑफ द ओवरी एंड पेल्विस, benign conditions of the uterus, cervix and endometrium, malignant disease of the ovary, malignant disease of the uterus, pre-malignant and malignant disease of lower genital tract. These are first priority chapters and the rest are second priority chapters. अब हम हर चैप्टर का अलग से ओवरव्यू लेंगे. चैप्टर नंबर वन जो कि द डेवलपमेंट एंड एनाटॉमी ऑफ द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड पेल्विस, इसको सिर्फ एक रीडिंग देनी है. इसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है या कोई ऐसी क्यों आता है तो वो मुलेरियन एनोमलीज के बारे में आता है. मुलेरियन एनोमलीज में मुलेरियन एजेनेसिस के बारे में क्वेश्चन किया जाता है. सेकेंड चैप्टर गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन पे है. उसमें ज्यादातर वार्ड में आपको इसके बारे में बताया जाएगा. इसके सिर्फ आपने एक जर्नल रीडिंग कर लेनी है, इसमें से कोई ऐसी क्यों नहीं आता. थर्ड चैप्टर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हार्मोनल डिसऑर्डर्स. इसमें फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन पीसीओएस एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये चारों इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. फोर्थ चैप्टर इज डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. ये कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है. इसमें से ऐसी क्यू आता है ज्यादातर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में और उसकी मैनेजमेंट के बारे में. फिफ्थ चैप्टर इज इम्प्लांटेशन एंड अर्ली प्रेगनेंसी. इम्प्लांटेशन एंड अर्ली प्रेगनेंसी में ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसकैरेजेस वाला टेबल और एक टॉपिक प्रेगनेंसी और एक टॉपिक प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट है. सिक्स चैप्टर इज कॉन्ट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, मैकेनिज्म एंड रिस्क फैक्टर्स एंड अबॉर्शन, मेथड्स ऑफ अबॉर्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैकेनिज्म एंड रिस्क फैक्टर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट हाउ कॉन्ट्रासेप्शन वर्क, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स और अबॉर्शन, मेथड्स ऑफ अबॉर्शन. सेवन चैप्टर इज अबाउट सबफर्टिलिटी. सबफर्टिलिटीज में उसके कॉजेस, उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी ट्रीटमेंट. ये पूरा चैप्टर एसक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मीनोपॉज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एट चैप्टर कंप्लीट पूरा आपने रीडिंग करनी है. एसक्यू के लिहाज से कम इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा नाइन चैप्टर जेंटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स. नाइन चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है. देन कम्स चैप्टर 10. चैप्टर 10 इज अबाउट यूरोगायनोकोलॉजी एंड पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स. यूरोगायनोकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी, ओवर एक्टिव ब्लैडर, इस पे अक्सर ये एसीक्यू आता है और ट्रीटमेंट फॉर इनकॉन्टिनेंस. देन प्रोलैप्स का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है. उसमें प्रोलैप्स की कॉजेज, प्रोलैप्स की डिग्रीज एंड प्रोलैप्स की मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. देन कम्स 11th चैप्टर बेनाइन कंडीशन ऑफ द ओवरी एंड पेल्विस. इसमें से ज्यादातर ओवेरियन ट्यूमर्स, बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर्स आते हैं, ट्यूमर मार्कर्स और एंडोमेट्रोसिस के कॉजेज, एंडोमेट्रोसिस की मैनेजमेंट, एंडोमेट्रोसिस की हिस्ट्री और ट्रीटमेंट, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है. देन कम्स चैप्टर नंबर 12. चैप्टर नंबर 12 इज बेनाइन कंडीशन ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स एंड एंडोमेट्रियम. ये चैप्टर भी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है. इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट एशरमैन सिंड्रोम के कॉजेज, देन ट्रीटमेंट एंड फाइब्रॉइड इटसेल्फ इज कंप्लीट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड एडिनोमायोसिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन देयर इज चैप्टर नंबर 13, बेनाइन कंडीशंस ऑफ द वल्वा, वजाइना, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स. दिस चैप्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल. देन देयर इज चैप्टर मेलिग्नेंट डिजीज ऑफ द ओवरी. दिस इज कंप्लीट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओवेरियन ट्यूमर्स, देयर मैनेजमेंट, एंड देन मेलिग्नेंट डिजीज ऑफ द यूट्रस. ये भी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उसकी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ट्यूमर्स और उनकी मैनेजमेंट पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. प्री मेलिग्नेंट एंड मेलिग्नेंट डिजीज ऑफ द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है. उसके बाद चैप्टर 17 गायनेकोलॉजिकल सर्जरी एंड थेरापूटिक्स के बारे में. इसमें से कोई ऐसी क्यों कभी भी नहीं आता, लेकिन इसमें तीन चीजें हैं. हिस्ट्रेक्टमी के कई दफा कॉम्प्लिकेशंस पूछ ली जाती हैं ऐसी क्यूज में या वाइवा ऑस्पी में, और हिस्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी और सिस्टोस्कोपी की इंडिकेशंस पूछ ली जाती हैं वाइवाज और ऑस्पी में.
Dr. Sana is a gynecologist at Farooq Hospital, Lahore. Thank you so much for your help.